आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अमिताभ बच्चन। शुक्रिया। शुक्रिया करके आप चुप हो जाएंगे? नहीं, आप कुछ पूछेंगी तो मैं बोलूंगा। ऐसा? तो मैं बस यही चाहूंगी कि लोगों की जिंदगी में तो अमिताभ बच्चन को देख लेना और उसके साथ बैठ लेना एक ऐसा यादगार वाकया है कि लोग भुलाए नहीं भूलते। आपकी जिंदगी में भी तो ऐसे कुछ वाकयात गुजरे होंगे जो आज तक याद हों आपको? जी हाँ, बहुत से ऐसे वाकयात हैं। मेरे साथ हाल ही में कुछ दो एक चीजें ऐसी हुई जो कि एक निशान छोड़ गई है मेरी यादगार पर। मैं अभी पिछले महीने मद्रास में था, शूटिंग कर रहा था, और मेरे वहाँ पहुँचने के कुछ ही दिन बाद एक साहब मुझे होटल में मिले, कहने लगे मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें वक्त निकाल के दिया। उन्होंने कहा देखिए साहब, एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन कॉज पे मैं आपसे मिलने आया हूँ। एक बच्ची है, वो हॉस्पिटल में है, बीमार है, और मैं चाहता हूँ कि आप उसे 2 मिनट के लिए हॉस्पिटल में मिल लाएं, क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी फैन है और आपसे मिलने की ख्वाहिश रखती है। आमतौर पर ऐसी बहुत सी रिक्वेस्ट आती रहती हैं और मैंने सोचा कि शायद मैं किसी तरह ऐसे टाल सकूंगा, लेकिन वो बार बार आते रहे और मैंने सोचा कि चलो मैं मिल लेता हूँ। और एक सुबह मैं उनके साथ मद्रास के एक हॉस्पिटल में गया और मुझे वहाँ पता चला कि वो बच्ची जो है वो दरअसल उसके स्पाइन में कुछ तकलीफ थी और एक अजीब किस्म का बीमारी थी, शायद कैंसर के नज़दीक ही थी वो, और उसका बहुत ही ख़तरनाक ऑपरेशन हुआ था। और वो इसलिए मुझे बुला रही थी क्योंकि वो खुद चल के नहीं आ सकती थी, उसे कुछ महीने भर से अपनी पीठ पर ही लेटना पड़ा था और काफ़ी तकलीफ़ में थी वो बहुत दिनों से। और मैं उससे मिलने गया और कुछ देर बात की मैंने उससे, और मुझे अगले दिन डॉक्टर्स का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपने जो किया उसकी वजह से उस लड़की में, उसकी हेल्थ में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ जो कि हम 1-1.5 महीने से कोशिश कर रहे थे। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि अगर मैं चंद दिन पहले चला जाता तो शायद उसकी तरक्की और जल्दी हो जाती है। मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी की एक इबादत में शामिल होने वाला कस्सा है। बिल्कुल। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि एक दफ़े अमिताभ बच्चन ने मेरी जान बचाई थी। हम एक शो कर रहे थे और इत्तेफाक से मैं उस वक्त व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था और व्हील चेयर पर बैठ के मैं अनाउंसमेंट कर रही थी। अचानक एकदम से भगदड़ मच गई, देखते ही देखते स्टैम्पीड हो गया। मैं बहुत डर गई और मैं चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज़ बचाओ ना। कोई नहीं आया, लेकिन अमित जी आ गए और उन्होंने मेरी जान बचाई। और उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इतनी शोहरत की बुलंदियों पे कोई खामखा नहीं पहुंचा था। उनमें खूबियां थी, खासियत थी, और मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये यूनिवर्स जब भगवान ने बनाई तो उसने बहुत सारी चीजें बनाई। कुछ चीजें ऐसी थी जो आपस में मिलती जुलती थी, लेकिन कुछ चीज़ें, बल्कि कुछ खास नग ऐसे थे जो उसने सिर्फ इस दुनिया के लिए एक ही एक बनाया। जैसे हमारी इस दुनिया के लिए सिर्फ एक सूरज है, सिर्फ एक चांद है, इसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही अमिताभ बच्चन है। भाई और बहनों, जोरदार तालियों से इज्जत और एहतराम के साथ स्वागत कीजिए, अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं स्टेज पे।
अमिताभ बच्चन बहुत ही खाकसार हैं, डाउन टू अर्थ हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, हमेशा देखा गया है महान झुकता है, हमेशा देखा गया है महान झुकता है, जमीन नहीं झुकती आसमान झुकता है। ऐसी ही अनोखी बातें बताती रहूंगी, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।